पर्व नवरात्र का है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पर्व बहुत कीमती है, तो इस कीमती पर्व का लाभ सबसे ज़्यादा हमें जो होगा वो एक होगा कि हम अगर आज की रात से लेकर अगली और 8 रात्रियों तक अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं, और जितना ज़्यादा हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ज़्यादा हमें लाभ होगा। आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपको कोई सिद्धि नहीं करनी है, अगर आप कोई विशेष सिद्धि नहीं करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए, अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो अपने गुरु का स्मरण करें, और माँ की जो अखंड ज्योत आपने लगा रखी है, अगर तो नहीं लगा रखी है तो आप एक ज्योत जला लें। ये समय रात्रि का होना चाहिए। आपने स्नान कर लेना है, ध्यान रखिएगा, आप स्नान कर लें, और स्नान करने के बाद आप बहुत प्रेम से, बहुत आनंद के साथ माँ का स्मरण करेंगे। जब आप माँ के पूजन के लिए बैठेंगे, अर्थात आज के जप तप के लिए बैठेंगे, तो आपको चाहिए कि आप आज के दिन आज शैल पुत्र है, चाहे तो आप आसन भी बदल सकते हैं। आसन बदलने का मतलब आप अपने आसन पर सफेद वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अगर सफेद वस्त्र ना बिछाना हो तो आपका जो भी आसन है उस आसन पर आप पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं, बहुत प्रेम से, और जो सामने आपने ज्योत लगा रखी है, जो भी ज्योत प्रज्वलित की है, उस ज्योत के नीचे अक्षत जरूर होने चाहिए। ज्योत मैंने आपको बताई, माँ के लिए जितनी ज्योत आप लगाएंगे उन ज्योत में ऊपर का मुख लाल कुमकुम से आप रंग देंगे, वो रंगा होना चाहिए, वो जितना रंगा होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। ज्योत में से लालिमा निकलनी चाहिए, ध्यान रखें, ज्योत में से लालिमा निकलनी चाहिए। जितनी लालिमा निकलेगी वो आपके लिए उतना लाभप्रद और सुंदर होने वाली है। ज्योत अगर हवा से बच रही है तो वो लंबी जाएगी। ध्यान रखिएगा, माँ की प्रसन्नता का एक चिन्ह मैं आपको देना चाहता हूँ। माँ प्रसन्न कैसे, आप कैसे समझेंगे कि माँ प्रसन्न है? आप जिस ज्योत का ध्यान कर रहे हैं वो ज्योत अगर आपके ध्यान करते करते ऊंचाई की ओर जाने लगे, एक तो ऊंचाई की ओर जाती है जब दीपक में तेल समाप्त होता है, घी समाप्त होता है, और एक ऊंचाई की तरफ जाती है जब माँ प्रसन्न होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माँ को प्रसन्न करना है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो आपको चाहिए अपने आसन पर बैठे। अगर आप कोई विशेष सिद्धि करना चाहते हैं तो आप माता शैलपुत्री का ध्यान करें। शैलपुत्री का चित्र अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप माँ शैलपुत्री का चित्र आपके मोबाइल से निकाल सकते हैं, और निकाल कर बड़े प्रेम से उनको एक टक देखते रहिए। जो आप एक टक देखते रहेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपका चित्त वहाँ लग जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे ही आप जुड़ जाएंगे उसका लाभ आपको मिलेगा। ऐसी कंडीशन में जब आप आराम से बैठ जाएंगे आलती पालती मार के पद्मासन में, तो आप माँ का ध्यान कीजिए। अगर माँ का ध्यान नहीं भी हो पा रहा तो सामने जल रहा जो दीपक है आप दीपक का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि माँ ज्योतिर्मय है। आपने सुना होगा जब मैं देवी भागवत कर रहा था पिछली नवरात्र में, तो शुरुआती दौर में माँ की स्तुति करते थे, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो, हे माँ हे माँ हे माँ हे मा।
मतलब क्या है इसका? मैं जो अंधकार से घिर चुका हूं मां, मेरे चारों ओर अंधकार व्याप्त है, आप प्रकाश स्वरूपनी हैं, आप प्रकाशनी हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप ज्योतिर्मय होते हुए मेरे इस अंधकार में प्रवेश करके इसको प्रकाश में परिवर्तित कर दें। माँ से हमें ये मांगना है। अब बात आती है कि हम माँ से और क्या मांगने वाले हैं। तो माँ से हमें शक्ति चाहिए, हमें शक्ति चाहिए, तो शक्ति के लिए क्या करेंगे? तो अब अगर आप कोई विशेष सिद्धि करना चाहते हैं, माता शैलपुत्री को ही पूजना चाहते हैं, तो आपको वही करना है। पहले नवा मंत्र का उच्चारण करना है। आपकी माला आप ले लीजिए, प्रत्येक मनके पर आपको एक बार ये मंत्र बोलना है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ये हो गया। ओम शैलपुत्री दिव्यै नमः, एक बार बोलना है। तो जब आप एक बार बोलेंगे, ठीक इसको आपको 108 बार बोलना है, एक माला पूरी हो जाएगी। तो 108 बार ही बोलने का विधान बताया गया है। एक तो ये है। दूसरा, अगर आपको कोई विशेष साधना नहीं करनी है, आप सर्व साधना सुक्त होना चाहते हैं, तो आपके जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, क्योंकि वो तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, तो आपके गुरुजी ने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र की जाप को आपको माँ को देखकर, ज्योति को देखकर करना है। आप जितना जाप करेंगे, आप देखिएगा अभी तक आपने बहुत जाप किए होंगे, निश्चित कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपके गुरु मंत्र का जाप माँ के समक्ष आज की रात्रि में, आत प्रतिपदा की रात्रि है, आज की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने अगर रेगुलर नवरात्रि ये काम कर लिया, तो उसके बाद मुझे आपसे कहना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। आपका अनुभव आपको बताएगा। आपके रंग में लालिमा आ जाएगी, आपका तेज बढ़ जाएगा, आपके रक्त बहुत शुद्ध हो जाएगा, आप में शक्ति महसूस आप खुद करेंगे, आप में भक्ति महसूस आप खुद करेंगे, आप में ज्ञान का महसूस आप खुद करेंगे, आप में विज्ञान का महसूस आप खुद करेंगे, आप में अध्यात्म का जो है महसूस आप खुद करेंगे। ये अनुभव की बात है। जितना ज़्यादा आप आज रात्रि में बैठकर करेंगे, उतना लाभ होगा।